हम लोग भी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सबके हित में काम करते हैं। और हम लोगों के पार्टी को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, सबके उत्थान के लिए काम किया। लेकिन कुछ लोग हम लोगों के खिलाफ बोलता है, कोई आ भी जाता है चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ा देते हैं भाग जाता है, कोई भागने की कोशिश करता है तो जिसको जो मन में आवे करे। पार्टी में थोड़ी कुछ होना, पार्टी का तो सब लोग मिलकर के काम करता है, बाएं दाएं नहीं करता है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि हमारा बिहार आगे बढ़े और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम साकार करें। इस साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, या पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए, और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित, अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है, वरना लोगों के मन में तो कन्फ्यूजन हो रहा है और इस कन्फ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंदकर देखते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि एक तो यह भी साजिश है आपके खिलाफ कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही ना हो, तो आपको मालूम नहीं होने देना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए आप देखिए और आप सकता हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा, इन चीजों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए आप एक बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी अविलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीजों का डिस्कशन कीजिए ताकि पार्टी अधिक से अधिक आगे आने वाले दिनों में मजबूती से चल सके और तभी वास्तव में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल दिन आ सकता है। अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता, कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, आप फिर इस बार आए 21 में, अब इसके बाद बराबर बात करते थे, इधर कोई बात नहीं है। अगर बात होगी तब न जानेंगे, वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है, है? है? पता नहीं, तो ही पता उसको क्या पता, यहाँ से इज्जत है, लेकिन क्या इच्छा है हमसे जब तक बात नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं। ठीक है, कौन तो छोड़िए ना उसके बारे में, उसके बारे में कोई पूछने के बारे में आप लोग जानते हैं कहा है कि मुख्यमंत्री को जो मन करे वो करें। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमजोर करना चाहेगा वही कमजोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है और आज बहुत भली भांति से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है, इंटैक्ट है गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है।
वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई है। अब क्या उनके मन की बात है उसके मन को हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी काल ये सुना है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी प्रोवर्ब सुना है हम, तो हो सकता है उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई डील की बात है। वो एज यूजुअल जो राज की सेवा है लगातार 17-18 वर्षों से कर रहे हैं, ये उनकी बड़प्पन है। अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई त्रासदी आई है और कोई उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम हैं कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने देख लेते हैं वो। अब दूसरे लोग जो कहते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या कहें, मनोरंजन के लिए वो कहते रहे क्योंकि वो भी थे हमारे के यहाँ, जब हट गए तो वैसा वो बोल सकते हैं, उनकी बात है, इसलिए हम उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते।